जो आज हम ट्रेन से ट्रेवल करने वाले वो कुछ जगह से भाई 5000 मीटर के ऊपर क्रॉस करेगी और रास्ते में एक स्टेशन पड़ने वाला है जो दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेशन है। अगर आपको तिब्बत ट्रेवल करना है तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, एक्सट्रीम है भाई, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है भाई। हर सीट के पास ही आप लोगों को ना इमरजेंसी ऑक्सीजन देखने मिलेगा। देखिए मेरी सीट का दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर भी है इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट, दुनिया में कहीं नहीं देखने मिलेगा। 20-30% जो पैसेंजर ऑक्सीजन लिए हुए हैं भाई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वाकई यार तिब्बत के गांव कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हो सारे पीछे पहाड़ पे बर्फ आप लोगों को देखने मिलेगा और बाकी चाइना से काफी डिफरेंट लग रहा है। यहाँ का जो पहला व्यू ना यार, इतना ज्यादा अलग रेलवे स्टेशन है, चारों तरफ आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने मिलेंगे। भाई बाहर निकलते टाइम एक पुलिस वाले ने पकड़ा, एक बंद कमरे में लेके गया, वहां पर एक लेडीज थी, वो सारा कुछ परमिट चेक करी, सारा पासपोर्ट चेक करी, 10 मिनट बैठाई। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं सेंट्रल चाइना में मौजूद गांसू प्रोविंस के कैपिटल लांजो में हूँ। अगर लांजो की बात करें तो भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है, ये तो कभी बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर मैं पहुंचा था चोंगचिन से एक ओवरनाइट ट्रेन लेके, वो सारी चीज़ आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। और अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है असली सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गएंगे, हम जा रहे हैं तिब्बत। यार इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, लेकिन साथ ही साथ भाई थोड़ा सा डर भी लग रहा है और थोड़ी सी एंजाइटी भी हो रही है, क्योंकि जिस ट्रेन से हम आज ट्रैवल करने वाले हैं वो वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रेन है, वो दुनिया की सबसे ऊंची ट्रेन है जो एकदम हाई एल्टीट्यूड पर चलती है। तो यार थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड पर चलती है ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। थोड़ा सा एल्टीट्यूड के बारे में बता दूँ, जो सी लेवल से 1500 से लेकर 3000 मीटर का जो एरिया रहता है उसको हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। उसमें सर दुखना, उल्टी आना, ये सब भाई नॉर्मल चीज़ है। फिर 3000 से जो 5000 का एरिया रहता है ना भाई, उसमें आपको भाई सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और सर दर्द एक्सट्रीम हो जाएगा। और भाई जमीन से 5000 मीटर ऊपर, मतलब 5 किलोमीटर जमीन से ऊपर, वहां आप लोगों को भाई हेलुसिनेशन होने लग जाएगा, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। ये सबको नहीं होती है लेकिन बहुत सारे लोगों को होती है, तो ऐसी कुछ भाई एक्सट्रीम प्रॉब्लम होगी, सांस ले नहीं सकते भाई, आपको वो लगाना पड़ेगा सांस लेने के लिए, बहुत ही ज्यादा अलग सिचुएशन होने वाली है। जो आज हम ट्रेन से ट्रेवल करने वाले वो कुछ जगह से भाई 5000 मीटर के ऊपर क्रॉस करेगी और रास्ते में एक स्टेशन पड़ने वाला है जो दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेशन है। मेरा ख्याल है वहां पर रुकेगी नहीं ट्रेन खाली मेन स्टेशन पर रुकेगी। और आप में से कुछ लोगों ने डेड जोन के बारे में भी सुना होगा, जो कि 8000 मीटर के ऊपर होता है, जहां कोई ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, मर जाते हैं। वो तो भाई माउंट एवरेस्ट के ऊपर का पार्ट हुआ, वहां तो हम जाने नहीं वाले। यार देखिए ये है लांजाओ स्टेशन, यहां पर मैं पहुंच गया था 9 बजे और अभी का टाइम देख सकते हो 11:20 हो रहे हैं, और जो हमारी तिब्बत की ट्रेन है वो 12:31 की है। तो यार तकरीबन अभी 1 घंटा बाकी है और ऐसा कुछ है सारा नजारा। ये पहाड़ देख रहे हो, यहां पर थोड़ी सी बर्फ गिरी है, सुबह सुबह भाई थोड़ी छोटी बर्फ गिर रही थी लेकिन वो थोड़े टाइम में बंद हो गया। और भाई ठंडी की बात करें तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। तो यार अंदर जाने से पहले थोड़ा चलते हैं सुपरमार्केट से खाने पीने का सामान ले लेते हैं, पानी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि यार भाई मेरे गाइड ने, और आप लोगों को एक और सबसे मेन चीज तो बताना भूल गया कि अगर आपको तिब्बत ट्रैवल करना है तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, एक्सट्रीम है भाई, मतलब ये ना इतना हार्ड है ना तिब्बत ट्रैवल करना, वन ऑफ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है भाई, यहाँ पर ट्रैवल करना इजी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको जाना है तो आपको एक गाइडेड टूर लेना पड़ेगा, गाइड रहेगा, फिर वो परमिट देगा, तो परमिट वगैरह आपको सारा लेके जाना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे बताता हूँ। अच्छा, वो परमिट से एक और बात याद आई कि मेरा जो परमिट है तिब्बत का, उसको भाई प्रिंटआउट भी निकलवाना है और खाने पीने का सामान भी लेना है। तो चलते हैं यार ये सारा कुछ काम करके हम स्टेशन पे, और ये लांजाओ शहर जो कि सभी पार्ट भाई चाइना का डेवलप ही दिखता है यार, ये देखिए। तो चलिए भाई चलते हैं। यार जैसे कि आप लोगों को बताया ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है मुस्लिम रीजन, तो आप लोगों को ऐसे टोपी में और बुरके स्कार्फ में लोग देखने मिलेंगे। तो चलते रोड क्रॉस करके यहाँ पर सुपर मार्केट में, जल्दी 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 जल्दी, ये देखिए आपको ब्रेड नान ऐसे आदमी हर जगह देखने मिलेंगे। तो यार यहाँ के सुपर मार्केट में आ गए और मेरे गाइड ने जो सारा नोट दिया था उसमें बोला था भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट वगैरह और अच्छी चीज़ें खाना, तेल वगैरह को इग्नोर करना। तो यहाँ से देखते हैं भाई जो कुछ ऐसा अच्छी चीज़ दिख रही है ले लेते हैं, लेकिन यार यहाँ पर फ्रूट वगैरह नहीं दिख रहा है। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि भाई लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और ब्रैकेट में लिखा है कि अल्कोहल नहीं, लिक्विड मतलब दूसरी चीज़ें, पानी, जूस, ऐसी कुछ सारी चीज़ें। तो देखते हैं यार यहाँ पर तो है तो काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए, लेकिन ये सारी कुछ पैक्ड आइटम है यार, ज़्यादा कुछ चीज़ तो नहीं मिली। ये 3 चाय ले लिया, उसमें खाली गर्म पानी डालना चाय बन जाएगी। ये कुछ विटामिन वाला पानी लिया हूँ और ये एक चिप्स लिया हूँ, भाई फ्रूट वगैरह तो मिला नहीं। तो यार अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं थी, चाय ले लिया और पानी वगैरह वो ले लिया। देखते हैं थोड़ा आगे फ्रूट मिलेगा तो फ्रूट ले लेते हैं। तो यार थोड़ा सा आगे मैं चल के आता इस सुपरमार्केट में तो सारी चीज़ें मिल जाती, देखिए यहाँ पर सारे फ्रूट भी रखे हुए हैं। तो चलते हैं यहाँ से भी फ्रूट वगैरह ले लेते, कुछ ज़बरदस्ती वहाँ से लिए इतना सामान।
ये देखिए यहाँ पर सारे फ्रूट है यार, यहाँ पर सारी चीज़ें। देखिए भाई यहाँ से मैं लिया हूँ थोड़ा सा अंगूर, लिया हूँ क्या मालूम कितना है, वजन करके देंगे। दो संतरा लिया हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादा लूँगा बड़ा बड़ा है काफ़ी, ज़्यादा लूँगा ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए भाई ये योगर्ट है और ऊपर कुछ स्ट्रॉबेरी वगैरह है, और वहाँ पर एक छोटा सा केक लिया हूँ। तो इतना सारा सामान काफ़ी होगा भाई एक 24 घंटे की जर्नी के लिए, तो इतना लेके निकलते हैं। तो यार खाने पीने का तो सारा सामान मिल गया, लेकिन प्रिंट आउट की दुकान नहीं मिल रही भाई। एक दुकान भाई लेके गए थे वहाँ से, मदद करके मुझे लेके गए वहाँ पर, लेकिन वो दुकान बंद है। तो देखते हैं भाई अंदर स्टेशन पे प्रिंट आउट है कि नहीं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरे गाइड थे वो बोले थे कि भाई दो प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रखना, तो देखते हैं क्या करना है। आखिरी टाइम पे सब काम करता तो ये तो होना ही है, तो देखते हैं जो भी होगा, देखेंगे क्या करेंगे, अंदर शायद मिल जाए यार प्रिंट आउट। तो यार लकीली एक जगह दुकान मिल गई जहाँ से मैं प्रिंट आउट निकलवा लिया भाई, अंकल निकाल के दे रहे हैं प्रिंट आउट। ये प्रिंट आउट मिल गया था मुझे स्टेशन के थोड़ा सा दूर की तरफ आया, और यहाँ पर मुस्लिम देखिए भाई कितने सारे हैं, ये देखिए देखिए, वो तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले चलते हैं तिब्बत भाई। सारा काम निपटा के हम वापस आ गए हैं स्टेशन पे, अब चलते हैं यहाँ से एंटर होते हैं और आप लोगों को सारा नज़ारा दिखाता हूँ, और हमारा जो एडवेंचरस जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं तिब्बत की। यार सारी कुछ फॉर्मेलिटी करा के निकल गए हैं, सिक्योरिटी चेक और पासपोर्ट चेकिंग सारी चीज़ें हो गई है। और देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये जो सेकंड लास्ट पे देख रहे हो आप Z21, ये हमारी ट्रेन है जो भाई 12:31 को आने वाली है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो चलते हैं भाई, ये ट्रेन के बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना है, वो तो रास्ता भाई लंबा है, आप लोगों को बताते रहूँगा। तो चलते हैं भाई प्लेटफॉर्म पे और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ की ट्रेन। तो यार पहुँच गए प्लेटफॉर्म पे और ये रही हमारी ट्रेन। देखिए भाई ऐसी कुछ होती है लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन चाइना में, हरी कलर की होती है, और अंदर से भी दिखाता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। और ये ट्रेन देख रहे हो ये आ रही है बीजिंग से, टोटल डिस्टेंस इसका अराउंड 3900 किलोमीटर है, तकरीबन 4000 किलोमीटर। और हमारी जो बोगी है वो बोगी नंबर 4 है, देखिए 4। तो हमको एंटर होना है वहाँ से, अरे वहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, यहाँ से पूछना पड़ेगा, इनसे ही पूछना पड़ेगा। 4, और मेरे पीछे देख सकते हो ये बोगी नंबर 4 है, यहाँ पर भाई मेरी सीट है, सामान वगैरह सारा कुछ अच्छे से रख दिया हूँ। और ये ट्रेन के बारे में बात करें तो भाई ट्रेन बीजिंग से चलती है ल्हासा तक के लिए, बीजिंग मतलब चाइना का कैपिटल, ल्हासा तिब्बत का कैपिटल। और बीजिंग से ल्हासा तक का डिस्टेंस है तकरीबन 4000 किलोमीटर, 3800 कुछ है। तो 4000 किलोमीटर ये ट्रेन चलती है, 40-42 घंटा लेती है। लेकिन हम बीजिंग से नहीं चढ़े, हम लंजाओ से चढ़े हैं, तो हमको सिर्फ 23 आवर्स लगने वाला है, 23 घंटा लगने वाला है। और पीछे सारे पहाड़ पे बर्फ देख सकते हो। तो यार ये ट्रेन हमको लेके जाएगी भाई ल्हासा तिब्बत, दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्टेशन से होते हुए जाएंगे भाई, 5000 मीटर का एल्टीट्यूड रहेगा। वो सारी चीज़ों के बारे में और बहुत सारी तिब्बत के बारे में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और ट्रेन दिखाता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। पहले ट्रेन में अच्छे से बैठे हूँ, अभी टाइम हो रहा है 12:25, 5 से 6 मिनट में ट्रेन चलने वाली है। तो अंदर चलते हैं और आप लोगों को सारा ट्रेन की जर्नी दिखाता हूँ, और बहुत मज़ा आने वाली है यार, बहुत ही एडवेंचरस जर्नी होने वाली है। तो यार देख सकते हो टाइम से 1 मिनट पहले ट्रेन चल चुकी है, और मैं अपनी सीट और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले बैठ जाऊँ, अच्छे से सेटल हो जाऊँ, से बैग वैग तो अंदर रख दिया हूँ, जैसे हम इंडिया की ट्रेन में रखते हैं, ऊपर रखने की जगह नहीं है, यहाँ पर रख दिया हूँ मैं सारा सामान। और स्टेशन से बस हम ट्रेन निकलने वाली है यहाँ से। हाँ भाई नीचे वाली सीट लिया हूँ, हर बार ऊपर वाली लेता हूँ, लेकिन नीचे वाली इसलिए लिया हूँ ताकि आप लोगों को व्यू वगैरह काफ़ी अच्छे से दिखा पाऊँ। और हम अभी बैठे हैं 12:31 पे, और पहुँचेंगे कल 11:30, तो 23 घंटे की जर्नी होने वाली है, मज़ा आएगी। टोपी लगा लगा के यार बाल की ऐसी हालत हो गई ना, क्या बताओ भाई, तकरीबन 15 दिन से टोपी लगा के रखा हूँ, और मैं उतार भी नहीं सकता, इतनी ठंडी रहती है यहाँ पर, तो भाई इसलिए मैं टोपी पहन के रखता हूँ। तो यार बैठ गया हूँ, सारा जैकेट वैकेट उतार के रख दिया हूँ, और यार अभी आप लोगों को सारी ट्रेन दिखाता हूँ। उससे पहले भाई जो व्यू आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ कितना ज़्यादा अलग और कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है यार, ये देखिए ऑथेंटिक चाइना के गाँव की आप लोगों को झलक देखने मिलेगी, ये देखिए। ऐसा तो भाई चाइना के मैं कोई पार्ट में नहीं देखा यार, बहुत ही मस्त है। और पीछे पूरे पहाड़ हैं और खूबसूरत सा नज़ारा है यार। तो यार अभी मैं आपको मेरी सीट दिखाता हूँ, लेकिन एक ख़राब चीज़ ये हुई कि भाई जब मैं आया तो मेरे जो आसपास के पैसेंजर थे वो मेरी सीट यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर कैसा होता है कि आप जब आओगे तो आपको एक नई धुली हुई ब्लैंकेट और एक नई धुली हुई पिलो मिलती है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो कोई यूज़ कर रहा था भाई मेरी ब्लैंकेट, जिसको गोल करके साइड में रखे हुए थे, तो थोड़ा सा भाई ख़राब लगा, लेकिन भाई मैं झाड़ वाड़ के बैठ गया उस पर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई मेरी कैबिन कैसी है भाई, पूरा तो पहाड़ पहाड़ आ रहा है, देखिए देखिए ये सामने वाले मेरे पैसेंजर हैं बच्चे के साथ में। और देखिए भाई ऐसा कुछ नज़ारा होता है यहाँ पर, यहाँ पर 6 सीट आपको मिलेगी, 2 ऊपर 2 इधर और 2 इधर। सबसे बेस्ट सीट भाई नीचे की होती है, अगर व्यू देखना है तो भाई सबसे बेस्ट सीट ये वाली है, देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, गोल करके यहाँ पर ऐसे रख दिए थे, बैग देखिए नीचे रख दिया हूँ, और यहाँ पर बाहर ऐसे बैठने की जगह भी मिल जाएगी, और यहाँ से बैठ के व्यू इन्जॉय करिए, पूरे भाई बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं यार, ये देखिए बहुत बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं।
बाथरूम के आसपास का इलाका ऐसा है, कचरा फेंकना तो यहाँ पर फेंक सकते हो और यहाँ पर 3 नल बनाए गए हैं भाई, यहाँ पर ब्रश करिए कुछ भी करिए तो ठीक ठाक सिस्टम है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 2 बाथरूम आपको मिलेगा, ये डब्बे में 2 बाथरूम मिलेगा, लेकिन ना पानी है और ना इसमें पेपर है, अपना खुद से लेके आओ और खुद से इंतजाम करो। ये थोड़ी सी खराब चीज़ है भाई, ये थोड़ी सी खराब बात है। और यार आप लोग एक चीज़ देख रहे थे डार्क सर्कल्स, भाई सो ही नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ वीडियो एडिटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग इसी में चल रहा है, ट्रेन इधर से उधर तो मज़ा आती है, लेकिन भाई थकान काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मूड एकदम उतर जाता है, पूरा हुलिया बदल जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट के लिए करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा सीट पे आराम करता हूँ, फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट जो स्टेशन आने वाला है शिनिंग, वहाँ मिलता हूँ आपसे। तो यार पहुंच गए हमारे तिब्बत की जर्नी के सबसे पहले स्टॉप पे, ये स्टेशन का नाम है शिनिंग स्टेशन। अगर स्टेशन के बारे में बात करें तो बीजिंग से ल्हासा के बीच में तकरीबन 7 से 8 स्टेशन ही बस वहीं रुकती है। हम जहाँ से चले लेंजो से चढ़े वहाँ से बस 3 से 4 स्टेशन है, एक स्टेशन अभी आया है शिनिंग, फिर उसके बाद एक 8 बजे आएगा, फिर एक 2 बजे आएगा रात में, फिर एक सुबह एक आएगा, फिर उसके बाद ल्हासा पहुंचेंगे। तो यार 3 से 4 स्टेशन आने वाले हैं। आप लोगों को ये चीज़ तो दिखाया नहीं गाड़ी में कि भाई अंदर ऑक्सीजन के लिए भाई वो जगह बनी हुई है, यहाँ से अगर आपको इमरजेंसी में ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। अभी जाएंगे अंदर तो मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर ये स्टेशन के बारे में बात करें भाई, चाइना के हर स्टेशन जैसा भाई एकदम ज़्यादा हाईली डेवलप है यार, बहुत ही साफ सुथरा, हर चीज़ परफेक्ट देखने मिलेगी। अभी भाई थोड़ा सा ट्रेन रुकी है तो देखिए भाई सिगरेट के ब्रेक चल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर स्टेशन पर सिगरेट पी सकते हैं, हमारे ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ा बहुत चलता है। तो मेरा ख्याल है अभी ट्रेन निकलने वाली। तो यार बाहर से मैं अंदर आ गया, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, और यहाँ ट्रेन में आप लोगों को 2 लैंग्वेज देखने मिलेगी, ये देखिए ये लिखी हुई है तिब्बत में, ये 3 लैंग्वेज देखने मिलेगी, 2 नहीं 3 देखने मिलेगी। ये देखिए भाई ये तिब्बतीन लैंग्वेज है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज है और ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यार भाई चाइना में अलग अलग रीजन जाओ तो भाई वहाँ की लैंग्वेज देखने मिलेगी, जैसे हम इनर मंगोलिया गए तो वहाँ अलग है, विगर में अलग है। और आप लोगों को दिखा था भाई हर सीट के पास ना एक ऑक्सीजन वो बना हुआ है इमरजेंसी ऑक्सीजन के लिए भाई, क्योंकि ऑक्सीजन अब ये ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, फिर लोग शायद ट्रेन में ऑक्सीजन छोड़ना चालू करेंगे। और साथ ही साथ भाई मेरे गाइड बोल रहे थे कि भाई अकेले नहीं, अगर आपके पास आपके साथ में कोई है तो किसी के साथ में ट्रैवल करोगे तो अच्छा है, ताकि वो बीमार हो तो तुम ध्यान रखो, तुम बीमार हो तो वो ध्यान रखो, ताकि 2 लोग भाई एक दूसरे के वो कर सके। लेकिन तुम्हारा भाई अकेले ही निकल गया भाई, कोई पार्टनर मिला ही नहीं। चलते हैं फिर से सीट पे, ट्रेन अभी भी रुकी हुई है और देखिए कितना साफ है यार बाहर का, ये पूरा हम गंदा कर देते हैं। यहाँ की जो ट्रेन होती है उसमें आपको कांच खुला हुआ नहीं लिखेगा, इसलिए साफ रहता है। ये देखिए सामने एक ट्रेन, हमारा केबिन यहाँ पर है। तो यार बैठे बैठे थोड़ी आंख लग गई थी, अभी उठ के देख सकते हो जो हम फ्रूट लिए थे वो खा रहा हूँ, थोड़ा सा चिप्स वगैरह खाया। और यहाँ का व्यू देखिए भाई, अभी शाम हो रही है, बज रहे हैं अभी रात के 10 और अभी जाके भाई स्टेशन आया। मैं आपको बोला था कि 8 बजे आने वाला है, 8 बजे नहीं आया और मैं भाई दबा के सो गया था, थोड़ा सा भाई ना सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था और साथ ही साथ भाई थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारा कुछ ना भाई दिमाग का गेम है भाई, सारा कुछ दिमाग का गेम, वो पहले से लगने लगा ना वो पहले से लगने लगा था ना कि भाई यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ऑटोमेटिक भाई वो दिमाग चलने लगा, तो दिमाग ही भाई सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अभी हम पहुंच गए हैं गोलमुड स्टेशन पे, इसका एल्टीट्यूड है 3000 मीटर, जमीन से 3 किलोमीटर ऊपर हम आ गए हैं। और देखिए भाई ऐसा कुछ स्टेशन है और यहाँ पर सिगरेट ब्रेक चालू हो गया है सबका, और लिटरली भाई आधे से आधी सीट ना ट्रेन में खाली हो गई है यार। और भाई ये जो ट्रेन से हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन का नंबर है Z21, ये अभी 2006 में चालू हुई है, उससे पहले भाई जो बीजिंग है, बीजिंग और तिब्बत कनेक्टेड नहीं था, धीरे धीरे छोटी छोटी जो ट्रेन की लाइन थी उसको ज्वाइन कर करके बीजिंग से तिब्बत की लाइन बनाए हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में गोलमुख से ल्हासा तक तिब्बत की कैपिटल तक ही ट्रेन थी, तो उसके बाद भाई गोलमुख से लेके लंजाओ तक बनी, फिर उसके बाद लंजाओ से लेके बीजिंग तक, फिर पूरा जाके कनेक्ट हुआ भाई 2006 में, 2006 से पहले आपको अगर जाना आना है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। और देखिए भाई सारे लोग उतर के नीचे जा रहे हैं, आधे से आधी ट्रेन खाली हो गई है भाई। और अभी जो है जो असली प्रॉब्लम है ना भाई वो अभी स्टार्ट होने वाली है। और ये हमारा जैसे कि आपको बताइए दूसरा स्टेशन है, आपको पहला दिखाया मैं शिनिंग थे, अब गोलमुख पहुंचे। अभी जो 2 बजे तकरीबन 2 से 2:30 बजे एक स्टेशन आने वाला है, उसके बीच में ना भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है स्टेशन वो आप लोगों को देखने मिलेगा। और जो स्टेशन अभी आएगा ना नेक्स्ट 2 बजे रात में, वो भाई उसकी एल्टीट्यूड होने वाली है 4500 मीटर, ज़मीन से 4.5 किलोमीटर ऊपर, वहाँ 100% थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन एडजस्ट कर लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। थोड़ा सा टेंशन मतलब जो होता है ना दिमाग रहता है कि ऐसा होगा वही सोच ही होता है। और देखिए स्टेशन पर यहाँ पर खाने पीने की भी दुकान आपको मिल जाएगी, नॉर्मली चाइना के स्टेशन पे ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तिब्बत जाने वाली ट्रेन आती होगी मेरा ख्याल है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा रहेगा। वैसे तो खाने पीने का मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम है, कुछ लोग चढ़ भी रहे हैं, देखिए कुछ लोग गए हैं तो कुछ लोग चढ़ भी रहे हैं।
और देखिए भाई यहाँ कैसा सिस्टम रहता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हर बोगी के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड और एक चेकर खड़े रहेंगे जो टिकट चेक करके आपको अंदर जाने देंगे, उसके बिना आप नहीं जा सकते हो। पूरा टिकट से नंबर मैच करेंगे आपकी आईडी कार्ड से, फिर आपको जाने देंगे। और ये यहाँ नहीं, देखिए हर बोगी में रहता है, देखिए वहाँ पर भी खड़े हैं, तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम रहता है। और भाई एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात ये हो रही है कि मुझे मेरा अभी तक परमिट चेक ही नहीं करे। यूजुअली ना भाई जब बोर्ड करते हैं ना ट्रेन तभी परमिट चेक हो जाता है, लेकिन मेरा अभी तक परमिट चेक नहीं किया, क्या मालूम क्या सीन है। हो सकता है भाई जाके लहासा पहुंचे तो वहां पर चेक करें, अगर नहीं है तो नहीं जाने दे। तो भाई ऐसे निकल मत जाना बिना परमिट के। और यार खाना खाने का थोड़ा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यार कब तक वो केक वगैरह खा के काम चलेंगे। थोड़ा खाना यार चावल दाल ऐसा कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो हम यहाँ चलेंगे, अंदर पेंट्री कार भी है, खाने पीने का इंतजाम भी है, तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आ गए, मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ दिखाता हूँ भाई, जो पूरी दुनिया में आपको कोई ट्रेन में नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये ट्रेन में देखने मिलेगा। वो देखिए यहाँ पर है ऑक्सीजन जनरेटर रूम, क्योंकि यार जब एल्टीट्यूड बढ़ेगा जैसे कि आपको बताया, तो ट्रेन में ऑक्सीजन छोड़ेंगे ताकि भाई सांस लेने में सबको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर सहारा कुछ सिस्टम है देखिए, और ये रूम है भाई, यहाँ से छोड़ते हैं ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन जनरेटर रूम। और मैं अपने सीट के पास दिखाता हूँ भाई, हर सीट के ऊपर ही इमरजेंसी ऑक्सीजन देखने मिलेगा। देखिए मेरी सीट का दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर भी है इमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट, दुनिया में कहीं नहीं देखने मिलेगा। चलिए ये देखिए, ये मेरी सीट है और सीट के बिल्कुल ऊपर आपको दिखने मिलेगा एमरजेंसी ऑक्सीजन आउटलेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है भाई इट विल बी स्टार्टेड बाय कंडक्टर इफ द पैसेंजर फील अनकंफर्टेबल। तो कभी आप अनकंफर्टेबल फील करो तो कंडक्टर को बोल दो भाई वो चालू कर देंगे ऑक्सीजन, तो ये ज़रूरी है भाई यहाँ पर, नहीं तो भाई आधे लोग तो मतलब बीमार हो जाए, तो ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ पर, और सारे लोग बाहर ऐसे बैठे रहते हैं। तो अभी चलते हैं भाई, ट्रेन तो अभी मुझे मेरा ख्याल है यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकेगी, चलते हैं आपको अच्छे से मैं दिखाता हूँ ट्रेन। ट्रेन दिखाने से पहले आप लोगों को भाई चार्जिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं, पावर बैंक चार्ज करने लगा देते हैं ताकि जब तक हम घूमें चार्ज हो। देखिए ऐसे चार्जिंग पॉइंट ना आपको देखने मिलेंगे, वो भी कहीं कहीं देखने मिलते हैं। देखिए यहाँ पर है, मेरे सीट के सामने नहीं है, और देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये पता नहीं कैसा सिस्टम रहता है भाई कि कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है, इनसे पूछते हैं। यहाँ चार्जिंग, ओ यहाँ पर है ये भाई लगाने जा रहे थे, मजा आ रहा हूँ लगाने, कुछ तो मिला, हरदम नहीं रहता है। पावर बैंक लगा दिया हूँ, ये तो कहीं भी छोड़ के जा सकते हैं भाई, टेंशन नहीं, कोई लेके जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, वैसे कोई लेके नहीं जाएगा। तो अब चलते हैं भाई, ढूंढते हैं रेस्टोरेंट, इनसे ही पूछता हूँ मैं। यहाँ हमारा बुकिंग नंबर है 4 और जो रेस्टोरेंट है वो 9 नंबर पे। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये दरवाजा बंद क्यों है यार, दरवाजा बंद क्यों है? अनी हाँ दरवाजा बंद, इनसे पूछता हूँ रेस्टोरेंट बंद तो नहीं हो गया? इज रेस्टोरेंट ओपन और क्लोज नाउ? नेटवर्क नहीं है। अच्छा इनके पास भी तो खाना है लेकिन सारा नॉन वेज है। ओह ओके 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 ओके, खुला हुआ है यार, खुला हुआ है, तो ये खोलेंगे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है उस स्लीपर कंपार्टमेंट, ये जो है ये सिटिंग कंपार्टमेंट, शीशे, ये जो है ये सिटिंग कंपार्टमेंट है। देखिए तिब्बत के लोग, यहाँ देखिए भाई ये कुछ है सिटिंग कंपार्टमेंट, और यहाँ पर भी टोपी वाले आदमी आपको दिखेंगे। सारे लोग यहाँ से तिब्बत जा रहे हैं भाई, तिब्बत के लोग ऐसे कुछ फीचर रहते हैं उनके। ओह भाई यहाँ तो नीचे भी सोने वाला सिस्टम है यार, वो दोनों कंपार्टमेंट में वो बंद करके इसलिए रखे थे, वो अपना लेट सोने वाला था, ये बैठने वाला है भाई। मुस्लिम बहुत ज़्यादा है यार ट्रेन में, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोचा नहीं था कि भाई तिब्बत जाने वाली ट्रेन में भी मुस्लिम इतने सारे देखने मिलेंगे। और यहाँ की भी फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ भी आपको ऐसा सिस्टम मिल जाएगा भाई, बेसिन मिल जाएगी वॉश, और यहाँ पर साफ कांच मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा, सिर्फ सीट जो है वो बैठने वाली है, तो ये काफ़ी सस्ती आती है। हेलो, तिब्बत ट्रेडिशनल कपड़े में भी आपको बहुत सारे लोग ट्रेन में देखने मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जो चाइनीज़ कल्चर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो ये तो मैं पहली बार देखा हूँ, और तो आप देखते रहेंगे भाई तिब्बत जा रहे हैं। तो अभी मैं बोगी नंबर 7 क्रॉस किया हूँ, 8, 9 पे है रेस्टोरेंट, तो चलते हैं 9 पे। ये बोगी नंबर 8 खत्म हुआ हमारा, और अब 9 आता है रेस्टोरेंट यहाँ पर। तो देखते हैं भाई कुछ खाने के लिए अवेलेबल है कि भी नहीं, ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ का।
ओए भाई काफी ज्यादा कलरफुल है यार, यहाँ पर हिमालय की झलक देखने मिलेगी आपको, क्या बात है। चलिए चलते हैं, देखते हैं खाना भी अच्छा है कि नहीं है यहाँ का। क्या बात है यार, बहुत सही बना के रखे हैं। ओ भाई साहब सेट है यार, एकदम खतरनाक भाई, बहुत मस्त है यार। ऊपर सीलिंग से लेके यहाँ की सीट वगैरह देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं भाई खाने के लिए कुछ मिल जाए भाई, सिर्फ थोड़ा सा चावल अंडा या फिर भाजी मिल जाए, काम हो जाएगा यार अपना। करते हैं ऑर्डर। आई कैन ईट एग बट नो मीट पोर्क बीफ और चिकन। यार पहले तो ट्रांसलेटर ही नहीं काम कर रहा था, बहुत मेहनत से समझा पाया हूँ। डू हैव एनीथिंग इन वेजिटेरियन विदाउट एनी बीफ मीट पोर्क और चिकन? तो बोले श्योर, तो भाई मिल जाए खाना, क्योंकि यार मैं कल रात में ट्रेन में बैठा था, कितने बजे बैठा था, 9:56 की ट्रेन थी। अगर आप लोगों ने चौंकिंग का लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो उसके लास्ट वाले पार्ट में, तो भाई मैं उससे पहले कब खाना खाया था मुझे याद भी नहीं है। तो ऐसे कुछ सीन होता है यार, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन यार एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ खाने की प्रॉब्लम होती है यहाँ पर और लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। अगर लैंग्वेज और खाने की प्रॉब्लम हट जाए ना भाई, तब तो मजा आएगी घूमने। और देखिए यहाँ पर स्नैक वगैरह भी रखा हुआ है। ओवरऑल रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खाली सा है, यहाँ आराम से बैठ के व्यू इंजॉय। अच्छा हमारी ट्रेन चल दी क्या? ओ भाई हमारी ट्रेन चल रही, चलो सही हो गया, अब व्यू इंजॉय करते करते खाएंगे। 3000 मीटर के ऊपर बैठ के खाएंगे खाना, अभी दिमाग नहीं चल रहा है ना भाई वो अल्टीट्यूड के ऊपर, तो एकदम फर्स्ट क्लास एकदम फ्रेश हूँ भाई। अभी जब सोचने लग जाता ना कि भाई सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, कोई मेरे साथ में नहीं, क्या होगा क्या होगा, तो थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन अभी फिट एंड फाइन। यार देख सकते हो आ गया हमारा खाना, ये है अंडा और ये शायद मशरूम है और कोई तो भी भाजी है, और ये देखिए भाई पत्ता गोभी है और ये चावल है। यार दिख काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि बहुत महंगा दिए, ये मुझे 76 यूआन का दिए, तकरीबन 800 रुपये का भाई। भाई गरीब आदमी को लूट रहे हैं यार, 800 रुपये का इतना सा खाना दिया, और लोकल लेता तो भाई 20-25-30 में मिल जाता। तो चलो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम मिल तो गया यार, खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो देखिए भाई खा पी के तो हो गया है भाई, पूरा ट्राई किया ख़त्म करने का, लेकिन यार मतलब ज़बरदस्ती खा के भी पेट क्यों ख़राब करना, वो बहुत ज़्यादा ऑयली था इसलिए वो बच गया थोड़ा सा, ये ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया और चावल ख़त्म कर दिया, तो पेट तो काफ़ी ज़्यादा भर गया, लेकिन भाई हल्का हल्का ना अभी सर दुखना चालू हो गया। तो चलते हैं हमारी सीट की तरफ। तो यार अभी बज रहे हैं रात में 12 और बाहर इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है ना भाई, दिख रहा पूरा क्लियर नहीं है लेकिन आपको दिखाऊंगा यार, रात में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्या नज़ारा आ रहा है यार, लेकिन पूरा अंधेरा है इसलिए कुछ दिख रहा नहीं है, लेकिन फिर भी यार आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, पूरा स्नो है। हमारी ट्रेन ये बर्फ़ के पहाड़ों के अंदर जा रही है, और भाई नज़ारा मैं आपको कितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है यार, पूरा बर्फ़ है बाहर यार दिन रहता ना काश मज़ा आ जाती। देखिए हमारी ट्रेन वहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, पूरा टन हो रही है गोल, देख सकते हो यार जो करंट टेम्परेचर है यहाँ का वो -14 डिग्री टेम्परेचर है भाई, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, अभी तक उजाला नहीं हुआ है, 8 बजने आ गए हैं। तो यार अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, स्टेशन है जो 4500 मीटर के ऊपर रहता है ज़मीन से, 4.5 किलोमीटर ऊपर, मैं तो सो गया था भाई, लेकिन सारे दरवाजे बंद है, स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई है, और भाई तकरीबन समझ सकते हो 20-30% जो पैसेंजर है वो क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीजन लिए हुए हैं भाई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अलहमदिल्ला भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, थोड़ी सी नींद प्रॉब्लम हो रही, सर दुख रहा था, लेकिन भाई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं, देखिए स्टेशन आया हुआ है, देखिए 4500 मीटर ऊपर है ज़मीन से, देखिए ये पैसेंजर भी लेके बैठे हुए हैं। तो यार आपको करंट टेम्परेचर तो दिखा दिया था, आप करंट एलिवेशन देखो भाई 4500 मीटर मतलब ज़मीन से 4.5 किलोमीटर, और फीट में देखो मतलब तकरीबन 15000 फीट ज़मीन से ऊपर हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला होना चालू क्यों है जब 8 बज रहे हैं भाई, तो चलते हैं भाई ब्रश वगैरह करते हैं और आपको सारा नज़ारा दिखा दो भाई, 15000 फीट के ऊपर है भाई। अभी सुबह ना स्टार्ट हुई, तकरीबन 8:30 बज गए हैं, और अभी बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, पूरी बर्फ़ पूरी पहाड़ बर्फ़ से जमी हुई है, जितनी नदी आ रही है सब बर्फ़ से जमी हुई है, अब व्यू देख सकते हो और कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे अच्छे गाँव आ रहे हैं, मैं सारा कुछ अभी आपको दिखाता हूँ। यार देखिए सनलाइट जैसे पहाड़ पर पड़ रही है, देखिए सोने जैसा चमक रहा है, और यार जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है, और नज़ारा देखिए यार उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर इस रीजन के भाई पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत देर में एक छोटा सा गांव आ रहा है, देखिए ऐसे कुछ होते हैं तिब्बत के गांव, ये पहली झलक हमको मिल रही है इसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है।
ये जो छोटा छोटा काला काला डॉट देख रहे हो भाई, ये याक है, जो कि आप लोगों को तिब्बत में बहुत ज़्यादा याक देखने मिलेंगे। देखिए कितने सारे हैं। तो यार चलिए करते हैं अब नाश्ता भाई, नहीं तो मैं व्यू देखते रह जाऊंगा। इतने खूबसूरत व्यू के साथ हम करेंगे यहाँ पर नाश्ता। देखिए मैं ये योगर्ट लिया था, उसके साथ में ये कुछ ओट्स और कुछ स्ट्रॉबेरी वगैरह है, ये है थोड़ा सा केक है, पानी वगैरह है, यहाँ चाय भी रखी हुई और संतरा वगैरह भी है। तो हम खाते हैं और ये व्यू को इन्जॉय करते हैं। यार कितना सही व्यू आ रहा है यार। तो यार लासा पहुँचने में अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बाकी, और यहाँ इतने अच्छे अच्छे गाँव भाई कंटिन्यूस आए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भाई रोड वगैरह देख सकते हो, यहाँ के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यार। चाइना के दूसरे पार्ट जैसा डेवलप नहीं है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक है। ये देखिए व्यू पीछे का, देखिए ना कितना सही लग रहा है यार, गांव वाले लोगों को क्या व्यू आता होगा। ये देखिए भाई तिब्बतीन मंदिर। तो हमारी एंट्री हो रही है तिब्बत की कैपिटल सिटी ल्हासा में, और मैं ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा डेवलप सिटी रहेगी। ये देखिए पहाड़ों में इतनी सारी भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रखे हैं, क्या बात है यार। चाइना की तारीफ करना पड़ेगा यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि तिब्बत ऐसा कुछ दिखने वाला है। मैं सोचा था भाई बिल्कुल गाँव सा रहेगा, लेकिन यहाँ आके कुछ अलग तिब्बत देखने मिल रहा है। तो यार एक्साइटमेंट और बढ़ रही है, देखते हैं यार मज़ा आएगी तिब्बत एक्सप्लोर करने में। आखिरकार भाई 24 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए ल्हासा तिब्बत। 24 घंटे तो नहीं बोलेंगे, हम चोंकिंग से चले थे तो तकरीबन हमको 38-37 घंटा हो गए। और यहाँ का जो पहला व्यू ना यार, इतना ज़्यादा अलग रेलवे स्टेशन है, चारों तरफ आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने मिलेंगे, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। वो देखिए वहाँ से पूरा पहाड़ पूरा चारों तरफ आपको देखने मिलेगा। और ये रही हमारी ट्रेन Z21 जिससे हम आए हैं। या लिटरली थोड़ा सा ना भाई हार्ट बीट तेज लग रही है, क्योंकि भाई पानी वगैरह ज़्यादा मिला नहीं अंदर। पानी पीने के भाई हमारे गाइड बोले थे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। थोड़ी सी हार्ट बीट तेज लग रही है और थोड़ा सा सर भारी से लग रहा है, लेकिन यार जितना मैं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा हो सकता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी यहाँ के चाइनीज़ लोग भाई ऑक्सीजन लगाए थे, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो अब निकलते हैं बाहर, बाहर मुझे मिलेंगे गाइड, एक आदमी को भेजें पिकअप करने के लिए, वो पिकअप करेंगे। और यार स्टेशन की जितनी तारीफ करो उतनी कम यार, वहाँ लंबी लंबी बिल्डिंगें भी आपको देखने मिलेगी, तो काफ़ी सही माहौल है। अभी तक भाई मेरे से कोई परमिट नहीं मांगा, कोई भी कुछ भी नहीं पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपके पास परमिट है। और हम तिब्बत पहुँच गए तो शायद बाहर निकलते टाइम परमिट मांगे, तो भी ले रहे हैं भाई। तो यार यहाँ पर भी वो क्यूरियोसिटी चालू है जो हर चाइनीज चाइना के हर पार्ट में होती थी, कि लोगों को बाय 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 कि भाई फॉरेनर आए हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। हे देखो बच्चे को कितनी सारी प्यारी है। तो यार जैसे ही बाहर निकला था, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि भाई मेरा परमिट चेक नहीं हुआ, तो भाई बाहर निकलते टाइम एक पुलिस वाले ने पकड़ा, वो दूसरे वाले को दिया पुलिस वाले को, फिर वो तीसरे वाले को दिया, फिर वो एक बंद कमरे में लेके गया। वहाँ पर एक लेडीज़ थी, वो सारा कुछ परमिट चेक करी, सारा पासपोर्ट चेक करी, 10 मिनट बैठाई, 5-10 मिनट बैठाई, थोड़ी बातचीत करी। देखिए ये पीछे जहाँ पे है वहाँ पर सारी चेकिंग किए, फिर मेरे को भेज दिए। तो अब निकल गया हूँ बाहर, और देखिए भाई मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं भाई जो हमको पिकअप करने वाले हैं। हेलो, फोटो फोटो ए मिसे फोटो निकाल लूँ, ये जो ओके हां तो देखिए ये है तिब्बत का कपड़ा पहने हुए लोकल। निकलते साथ भाई फोटो खिंचवाने लगे, तो बहुत ही अच्छा, इनको भी खिंचवाना है फोटो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे भी भाई कितने अच्छे लोग हैं। आ जाओ आ जाओ बाबू आ जाओ आ जाओ, बाय बाय बाय। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई कितने ज्यादा फ्रेंडली लोग हैं, पहला इंप्रेशन देख रहे हो तिब्बत का कितना अच्छा हो रहा है, लोकल लोग आके फोटो खिंचवाने लग जा रहे हैं और कितना ज़्यादा अच्छा वेलकम हुआ है। तो आगे देखिए वहाँ पर शायद वो जो एक फॉरेनर खड़े हैं वहाँ पर है मेरे जो पिक करने आए हैं यहाँ से, वो हमको पिक करके लेके जाएंगे होटल पे। तो चलते हैं वहाँ पर। अनस मोहम्मद अनस, या आई एम मोहम्मद अनस, आई मेट हिम इन द ट्रेन। या या जस्ट टू ऑफ अस जस्ट टू। देखिए ये पीछे है ल्हासा स्टेशन, हम यहाँ से निकले हैं और हमको मिल गए ये हमारे गाइड, और साथ में भाई एक डेनमार्क का आदमी है जिससे मैं ट्रेन में भी मिल चुका था। तो यहाँ से हम दो जाएंगे होटल और देखते हैं आज का प्लान क्या होता है। आज तो भाई जो आइटनरी मिली है उसमें है कि रेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या प्लान बनता है। और ऐसा कुछ नज़ारा है पहले इंप्रेशन तिब्बत का,
जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। मेन लैंड चाइना से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी आप लोगों को काफ़ी चाइनीज़ वाइब देखने मिलेगी। तो चलेंगे सिटी सेंटर और देखेंगे वहाँ का सारा नज़ारा कैसा है। स्टेशन कितना ही ज़्यादा अच्छा है, पूरा पीछे पहाड़ है। तो यार आप लोगों ने देखा, पिकअप करने के लिए कोई आए थे, हमको स्टेशन पे लिए, फिर उसके बाद भाई होटल पे पहुँच गए। होटल भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की लग रही है। वो सारी चीज़ों आप लोगों को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और दो दिन से भाई नहा नहीं पाया हूँ, तो अभी जाता हूँ नहाता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा भाई मेरी तिब्बत तक की ट्रेन जर्नी, बहुत मज़ा आई, बहुत खूबसूरत ट्रेन जर्नी थी, हाईएस्ट ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड, और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट गई, सारा चीज़ जैसे सोचे थे भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम फर्स्ट क्लास हम बैठ के एकदम आराम से। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत ही अच्छे तिब्बत के ब्लॉग के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए भाई ध्यान रखो।